नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आ गया हूं फिर से नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे जर्मन में सप्ताह के दिन, डेज ऑफ वीक इन जर्मन, ओखन टागे ऑफ डॉयच। दोस्तों, जर्मन में वीक या सप्ताह को वोखन कहते हैं। जर्मन में वीक को वोखन कहते हैं, उसके बाद में डे को टाक कहते हैं, तो देर टाक कहते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि हम देर टाक, देर दी और दास, ये तीन प्रीफिक्स लगाते हैं। तो देर किसके लिए लगाते हैं प्रीफिक्स? जिसको जेंडर हम मेल कंसिडर करते हैं, और दी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसका जेंडर हम फीमेल कंसिडर करते हैं। ओके, तो टाक जो है उसका जेंडर हम मेल कंसिडर करते हैं। ओके, तो डे को देर टैग करते हैं, देर टाक। उसके बाद में देखेंगे जो वीक का पहला दिन है, मंडे। सोमवार को जर्मन में मोन्टाग कहा जाता है, देर मोन्टाग, उसका प्रीफिक्स देर है दोस्तों, देर मोन्टाग। मंडे को मोन्टाग कहा जाता है। उसके बाद में ट्यूसडे, जिसको हम मंगलवार कहते हैं जर्मन में, उसको डिनस्टैग या देर डिनस्टैग कहा जाता है। मंगलवार को देर डिनस्टैग कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे बुधवार, वेनसडे को जर्मन में मिट ओक कहा जाता है दोस्तों। मिट का मतलब होता है मिडल। ओके, सो ये वीक का मिडल दिन है, इसलिए उसको मिट ओक कहते हैं। ओके, देर मिट ओक। ओके, तो ये वीक का मिडल दिन है, इसलिए इसको मिट ओक कहा जाता है। वेनेसडे के बाद थर्सडे आता है, जिसको हम हिंदी में गुरुवार कहते हैं। तो गुरुवार को डोनर्स टैग कहा जाता है, देर डोनर्स टैग। गुरुवार को देर डोनर्स टैग कहा जाता है जर्मन में। उसके बाद में फ्राइडे को, शुक्रवार को जर्मन में फ्राइड टैग कहा जाता है दोस्तों, फ्राइड टैग, देर फ्राइड टैग। फ्राई का मतलब जर्मन में फ्री होता है दोस्तों, तो फ्राई टैग का मतलब है फ्री दिन। ओके, फ्राई टाग, तो फ्राइडे को फ्राई टाग कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में शनिवार को, सैटरडे को जर्मन में झैम्स टाग कहा जाता है, तो वो होता है देर झैम्स टाग। शनिवार को झैम्स टाग कहा जाता है। उसके बाद में संडे, जिसको हम रविवार कहते हैं, रविवार को जर्मन में झोन टैग कहते हैं दोस्तों, झोन टैग, देर झोन टैग, देर झोन टैग। ओके, देर झोन टैग कहा जाता है। उसके बाद में जैसे कि हमें बोलना है कि एवरी संडे, एवरी मंडे, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है दोस्तों? वो डेज के पीछे एक एस लगाना है, तो एवरी संडे को ऐसा बोलेंगे हम, जोन टैग्स। कैसे बोलेंगे? एवरी संडे, संडे को हम बोलते हैं जोन टैग, तो जोन टैग को एस लगे तो हो जाएगा जोन टैग्स। ओके, तो उसका मतलब हुआ एवरी संडे, जोन टैग्स। उसके बाद में वीकेंड, दोस्तों जैसे हम बोलते हैं कि वीक को ओखन बोलते हैं और एंड को एंड बोलते हैं, तो जर्मन में वीकेंड को ओखन एंड कहते हैं दोस्तों, उसको दास ओखन एंड कहते हैं। वीकेंड को क्या कहते हैं दोस्तों? दास ओखन एंड। ओके, तो वीकेंड के 2 दिन इंक्लूड होते हैं दोस्तों, सैटरडे और संडे। ओके, तो जनरली फ्राइडे को लोग एक दूसरे को विश करते हैं, शोन्स ओकन एंड, इसका मतलब है
हैव अ नाइस वीकेंड। जब फ्राइडे को जॉब से लोग जाते हैं तो एक दूसरे को विश करते हैं शोनस ओखन एंडर, शोनस वो ओखन एंडर ऐसा ग्रीट करते हैं, जिसका मतलब होता हैव अ नाइस वीकेंड। तो वीकेंड को ओखन एंडर, दास ओखन एंडर कहा जाता है दोस्तों, दास ओखन एंडर। उसके बाद में हम देखेंगे, ओके, तो हम बहुत सारे लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि वीकेंड पे आप क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं वास मार्क्स डू आम ओखन अंडर, वास मार्क्स डू आम ओखन अंडर, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड, वास मार्क्स डू आम ओखन अंडर, वीकेंड पे आप क्या कर रहे हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन पूछना है आपको, वास मार्क्स डू आम ओखन अंडर। उसके बाद में सपोज आपका मीटिंग है मंडे को, तो कैसे बोलेंगे आप, आई हैव मीटिंग ऑन मंडे, तो आप जर्मन में कहेंगे आम मोन्स्टाग हाबे इश आइनन टर्मिन। तो यहाँ पे टर्मिन का मतलब होता है दोस्तों मीटिंग, आइनन का मतलब होता है वन, वन मीटिंग। ओके, सो हमें ऐसा बोलना है, आम प्रीफिक्स जो है ना, डे का प्रीफिक्स होता है आम, आम मोन्टैग हाबे, हाबे मीन्स हैव, इश मीन्स आई, आइनन मीन्स वन, टर्मिन्स का मतलब होता है मीटिंग। तो आम मोन्टैग हाबे इश आइनन टर्मिन, आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, आम मोन्टैग हाबे इश आइनन टर्मिन, सोमवार को मेरी मीटिंग है। जैसे कि आपको अगर मंगलवार बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आम डिनस्टाग हाबे इश आइनन टर्मिन। ओके, तो मीटिंग है मंडे को, हमने ऐसा बोला कि आम मोन्टाग हाबे इश आइनन टर्मिन। उसके बाद में जैसे आपका बर्थडे है सपोज मंडे को, तो आप कैसा बोलेंगे, आई हैव बर्थडे ऑन मंडे, तो आपको वैसे एक रिपीट करना है, आम मोन्टाग हाबे इस गेबुस्टैग, गेबुस्टैग का मतलब होता है दोस्तों बर्थडे, आम मोन्टाग हाबे इस गेबुस्टैग, गेबुस्टैग का मतलब होता है बर्थडे, आम मोन्टाग हावे इस गेबुस्टैग, मेरा जन्मदिन सोमवार को है। उसके बाद में अगर एवरीडे बोलना है तो जर्मन में इसको टेग्लिश कहते हैं दोस्तों, अगर एवरीडे करना है यू टू से एवरीडे इन द जर्मन को, उसको कहते हैं टेग्लिश, क्या कहते हैं दोस्तों, टेग्लिश। ओके, उसके आगे जाएंगे हम, जैसे कि सपोज आज डोनस्टैग है, डोनस्टैग पता है आपको कौन सा दिन है, डोनस्टैग दोस्तों पता है गुरुवार, सपोज आज गुरुवार है, तो हमें बोलना है कि कल बुधवार था, आज गुरुवार है और कल शुक्रवार है, तो हम जर्मन में कैसे कहेंगे, गेस्टन एस्टरडे, जैसे कि एस्टरडे वॉज वेनेसडे कैसे कहेंगे, सो आई जस्ट स्विच ऑन द मार्कर, तो जैसे हम कहेंगे येस्टरडे वाज वेनेसडे, गेस्टन वा मिट वॉक, मिट वॉक का मतलब क्या होता है, वेनेसडे, गेस्टन मीन्स येस्टरडे, येस्टरडे वा मिट वॉक, येस्टरडे वा मिट वॉक, और टुडे को जर्मनी में कहते हैं हाइटर, तो आज क्या वार है, गुरुवार है, तो हम बोलेंगे फाइटर इज डोनस टैग, फाइटर इज डोनस टैग, फाइटर इज डोनस टैग, तो आज गुरुवार है, फाइटर फाइटर इज डोनस टैग। उसके बाद में टुमारो, टुमारो क्या है, फ्राइडे, तो हम बोलेंगे मॉर्गन, मॉर्गन इज फ्राइटैग, टुमारो इज फ्राइडे, मॉर्गन, मॉर्गन का इस्तेमाल करते हैं पता है दोस्तों, गुटेन मॉर्गन, गुटेन मॉर्गन का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ओके, तो
कल कैसे बोलेंगे हम कि टुमारो मॉर्निंग, ओके विल से लाइक टुमारो मॉर्निंग, सो मॉर्गन इज फ्राइडे, कल क्या है शुक्रवार है, मॉर्गन इज फ्राइडे। तो हमने देखा कि एस्टरडे को वेस्टर्न करना है, टुडे को हाइटे करना है और टुमारो को मॉर्गन करना है दोस्त। तो हम आगे जाएंगे, उससे पहले हम इसको क्लियर करते हैं दोस्त। हम आगे जाएंगे और पीआईपी खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, यू सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।